हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडर जॉन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाइनिंग के बारे में। लाइनिंग के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने प्री राइटिंग एक्टिविटी में आपको बताया था कि बच्चे को पेंसिल की ग्रिप कैसे बनाते हैं वो बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि लाइनिंग फोर टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन। जब आपके बच्चे को लाइनिंग आ जाएंगी तो उसको अल्फ़ाबेट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं लाइनिंग के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो लाइनिंग होती हैं फोर टाइप की। स्टैंडिंग लाइन हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। स्टैंडिंग लाइन खड़ी लाइन होती है, अप टू डाउन। ओके, स्टैंडिंग लाइन मैं बताऊंगी आज। सबसे पहले क्या करना है, आपको फोर रूल की कॉपी लेनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने फोर रूल की कॉपी में बच्चों को मैं बताऊंगी। ये फोर रूल की कॉपी लेंगे, इसके बाद एक पेंसिल लेंगे, रेजर। स्टैंडिंग लाइन के लिए क्या करेंगे, हम खड़ी लाइन बनाएंगे। इसके डॉट्स मैं आपको बताऊंगी। इसमें पहले हम थ्री डॉट्स देंगे। ओके, थ्री डॉट्स देंगे, इसको मिलाएंगे अप टू डाउन। ओके, इन डॉट्स को हम मिलाएंगे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। ओके, स्टैंडिंग खड़ी लाइन। तो मैं इसके डॉट देती हूँ आपको। फोर रूल की कॉपी में हम डॉट देंगे, स्टैंडिंग लाइन के लिए हम ऐसे डॉट देंगे। सबसे पहले तो बच्चों का हाथ पकड़ के हम लिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे पहले लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम उनका हाथ पकड़ेंगे। ओके, जब आपका बच्चा लिख पाएगा तो आप हाथ छोड़ देंगे। ओके, पहले उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा हमको। तो ये पेंसिल है, तो बच्चे से कहेंगे बेटा इस डॉट से इसको मिलाना है, फिर इस डॉट से इसको मिलाना है, इस डॉट से ऐसे लाइक दिस। ओके, हम ऐसे मिलाएंगे। फर्स्ट में आप बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप उसका हाथ पकड़ेंगे। धीरे धीरे बच्चे की हैबिट बन जाती है तो वो अपने आप से लिखने लग जाते हैं। तो इस डॉट से इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे। ओके, तो ये स्टैंडिंग लाइन अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। आपका बच्चा ऐसे करे, ऐसे ऊपर को ले जाएगा तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो इसको अप टू डाउन करना है, ऊपर से नीचे की ओर मिलाना है, लाइक दिस। ओके, आप देख सकते हैं इस डॉट से फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट, सेकंड डॉट से थर्ड डॉट। तो ये क्या बन गई, स्टैंडिंग लाइन बन गई। ओके, तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा डॉट लगा के, उसके साथ एक घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा, तो आपका बच्चा अच्छी तरह से सीख जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम थ्री लाइंस में डॉट देंगे, थ्री डॉट देंगे। ओके, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, ये मैं दो स्टेप में बताऊंगी। तो सेकंड स्टेप में हम टू डॉट देंगे, अभी हमने थ्री डॉट दिए थे ना, अब सेकंड स्टेप में हम टू डॉट देंगे, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। जब बच्चे को ये डॉट मिलाने आ जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, अल्फाबेट लिखने में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये हम ऐसे डॉट देंगे, तो बच्चे से कहेंगे बेटा इस डॉट से इस डॉट को मिलाइए। तो मैं ऐसे बच्चे को डॉट मिलाना सिखाएंगे आप,
लाइक दिस। ओके ऐसे हम डॉट मिलाएंगे। पहले पहले तो बच्चे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, फिर बच्चे की हैबिट बन जाती है तो बच्चा अपने आप लिखने लग जाता है। तो बच्चे के लिए डॉट बहुत ज़रूरी होते हैं, डॉट से ही बच्चा सीखता है। ओके तो सेकंड स्टेप में हम टू डॉट्स में बच्चे को देंगे। फिर आती है स्लीपिंग लाइन, सेकंड नंबर में आएगी। स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सोई हुई या बैठी हुई लाइन। ओके स्लीपिंग लाइन के लिए भी हम ये स्लीपिंग लाइन लाइक दिस। ओके तो इसके लिए हम करेंगे फोर डॉट, ये डॉट स्लीपिंग लाइन के लिए देंगे हम। इसको हम ज्वाइन करेंगे, बच्चे से कहेंगे कि इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करो, इस डॉट से इस डॉट को। ये क्या बन गई, स्लीपिंग लाइन। ओके ये देखिए स्लीपिंग लाइन। ओके ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम फोर डॉट देंगे। फर्स्ट स्टेप में हम ऐसे ही दो तीन लाइन में फोर डॉट देंगे और बच्चे से डॉट मिलाने को कहेंगे। ओके अब सेकंड स्टेप में हम करेंगे, इसी का सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को टू डॉट्स देंगे। ओके टू डॉट देंगे तो बच्चे से कहेंगे इसको ज्वाइन करो। जब बच्चे को फर्स्ट स्टेप आ जाता है तो सेकंड स्टेप में वो डॉट को इजीली ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से यहाँ तक इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करना है, इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करना है। तो बच्चा इजीली डॉट ज्वाइन कर लेगा। ओके सेकेंड स्टेप में हम टू डॉट देंगे। अब है थर्ड कर्व, थर्ड लाइन है कर्व लाइन। ओके कर्व लाइन, कर्व लाइन बनाना थोड़ा बच्चे के लिए टफ होता है। तो हम इसको कर्व लाइन ऐसी लाइक दिस। ओके या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। ओके तो इसके लिए हम डॉट देंगे बच्चे को। ये थोड़ा टफ पड़ती है तो इसको हम ट्रेस करने के लिए कहेंगे पहले बच्चे को। ओके ये कर्व लाइन थोड़ा सा बच्चे के लिए टफ पड़ती है ना, तो इसको हम ट्रेस के लिए देंगे बच्चे को। ओके जब बच्चा ट्रेस करना सीख जाएगा तो कर्व लाइन बनाना उसके लिए इजी हो जाएगा। ओके तो हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे बच्चे की, हाथ पकड़ के उसको लिखाएंगे इस डॉट से ये आप, हम कहेंगे कि बेटा इसको ट्रेस करो, इसके ऊपर लाइन बनाओ। ओके ये देख सकते हैं आप, ऐसे बच्चे को हाथ पकड़ के ट्रेस कराना है क्योंकि ये थोड़ा बच्चे के लिए कठिन होता है। ओके ये देखिए ये क्या है, कर्व लाइन। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप में हम, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप
इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम बच्चे को 3 डॉट देंगे, ओके 3 डॉट। इसमें मैं थर्ड स्टेप में आपको बताऊंगी। पहले यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, डू लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे। इट इज कर्व लाइन, ओके कर्व लाइन होती है। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको जैसे ये ज्वाइन करेंगे, ये सी और डी बनाने में काम आती हैं, ओके। अब इसका थर्ड स्टेप मैं बताऊंगी, ये थोड़ा टफ है तो इसको मैं 3 स्टेप में बताऊंगी। इसका थर्ड स्टेप है कर्व लाइन का थर्ड स्टेप। जब बच्चे को ये आ जाएगा, ट्रेस करना आ जाएगा, तो बच्चा इसको ज्वाइन करना सीख जाएगा। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, इसको कर्व लाइन को 2 डॉट में बच्चे को सिखाएंगे, ओके 2 डॉट में। डॉट लगाएंगे, बच्चे से कहेंगे बेटा इसको इससे ऐसे कर्व में ज्वाइन करो, ओके लाइक दिस लाइक दिस, इसको लाइक दिस। एक बार सीधा करेगा बच्चा, एक बार उल्टा करेगा, ओके अब है स्लैंटिंग लाइन, ओके फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है स्लैंटिंग लाइन में झुकी हुई लाइन, ओके स्लैंटिंग लाइन झुकी हुई लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। जो हिल्स में रूफ होती हैं तो उसकी छत जो होती हैं वो क्या होती हैं, झुकी हुई होती हैं, ओके तो इस टाइप से हम स्लैंटिंग लाइन कैसे बनाएंगे बच्चों को सिखाएंगे। इसके डॉट्स हम बनाएंगे, ये है स्लैंटिंग लाइन, ओके लाइक दिस। तो हम इसको ज्वाइन करना बच्चे से सिखाएंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट को, स्टार्ट से स्टार्ट को लाइक दिस, ओके। बच्चे से कहेंगे बेटा ज्वाइन दीज डॉट्स, जब आपके बच्चे को लाइनिंग आ जाएंगी तो उनका बेस क्लियर हो जाएगा, उनको अल्फाबेट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। ये होगी स्लैंटिंग लाइन। तो इसका फर्स्ट स्टेप में हम 3 डॉट्स में सिखाएंगे, इसके सेकंड स्टेप में इसके 2 डॉट्स में मैं बताऊंगी, 2 डॉट्स में
इस डॉट से इसको ज्वाइन करेंगे। आप अपने बच्चे को बताएंगे, बेटा इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करना है। ओके, तो बच्चा इसको इजीली ज्वाइन कर लेते हैं। थोड़ा कर्व में प्रॉब्लम आती है, बाकी तो बच्चा ज्वाइन कर लेता है। ओके, तो इस टाइप से हम बच्चे को लाइन बनाना सिखाएंगे। ओके, जब ये बच्चा बच्चे लाइन कर लेंगे तो लाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बच्चे को अल्फ़ाबेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैंने आपको कराया लाइनिंग, स्टैंडिंग लाइन कैसे सिखाते हैं, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन कैसे बनाते हैं और स्लैंटिंग लाइन। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, इसकी वर्कशीट दूंगी मैं आपको लाइंस की। ओके, वर्कशीट बताऊंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।